गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य। हर साल की तरह यार कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश कर सकते हैं कि बापा की सेवा हो और पूरे आदर सत्कार के साथ हम उन्हें घर पे लाएं और फिर घर पे सब लोग मिलने आते हैं। और ये 11वां साल है हम स्टे कर रहे हैं, बस सेलिब्रेशन है, फैमिली टाइम है एंड मॉम डैड भी आए हैं सर। और हर साल की तरह मेरे ऑन स्क्रीन जो मैं कह सकता हूँ माई बेस्ट ऑन स्क्रीन पापा जी, इज देयर लाइक एवरी ईयर। या शरद, जितनी श्रद्धा से और जितनी श्रद्धा से साल ये लाते हैं गणपति बप्पा को, और जितना अच्छा हर साल जो डेकोरेशन है इसका थीम अलग होता है। इस साल जैसे गेंदा है, किसी साल गुलाब था, किसी साल मतलब अलग अलग तरह से जिस तरह से डिज़ाइन करते हैं, इतना इंटरेस्ट लेते हैं शरद इसमें। और पूरा मदद करती हैं, किसी ने कॉपीराइट के गेंदे एक-एक करके लगाए हैं। आई एम नॉट गिविंग क्रेडिट अवे फ्रॉम समबडी एल्स, ये मेहनत जो है देखो कि किसी और की है, बट हम सब ने बैठ के सुपरवाइज। यस, सो पूरी आलू एंड सूजी का हलवा एंड कचौड़ी, ढोकला, मोदक, मोतीचूर लड्डू, काजू की बर्फी फ्रॉम कैलकटा से। हर साल की तरह जो मैं सबसे फेवरेट है मेरा, आई थिंक खीर का दम, वो इस बार मॉम और डैड दोनों लेकर आए हैं। सो दैट इज़ एवरी ईयर, इट्स लाइक अ रिचुअल। तो हाँ, मतलब जितना हम कोशिश कर रहे हैं घर पे ही खाना बने हैं पापा को बोलने के। टाइम लगा आई थिंक इसमें कुछ हाँ मतलब कुछ आई थिंक दस से बारह घंटे लगे होंगे पूरा आई थिंक, सिर्फ फूलों को रेडी करने में और एक एक करके फूल को यू नो प्रॉपर उसको पिरोने में, और काफ़ी टाइम लग गया आई थिंक इस बार, बहुत टाइम लग गया, बट आई थिंक इट वॉज वर्थ इट। और जो हर साल मेरे जो डेकोरेशन करते हैं फिक्स हैं, नॉर्मली आई लाइक टू वेरी लॉयल इन लॉट ऑफ थिंग्स। सो मेरे जितने भी लोग हैं, जो स्टाफ है, जो टीम है, बहुत सालों से चली आ रही है, आज भी वही है। तो हर साल ये लोग आते हैं, इस साल भी वो लोग आए, बस वही है यार, इनकी मेहनत है, हम लोग तो बस देखे हुए। तो बस मैं कभी बप्पा से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मैंने सभी मांगा पूरी मानवता का कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि मिले। और गणपति बप्पा की सबसे बड़ी अच्छी व्याख्या जो कभी किसी ने दी है, मैं धार्मिक नहीं इसको दार्शनिक मानता हूँ, वो ब्रह्म कुमारी शिवानी ने यूट्यूब पे अगर आप जाके देखें, जो इनके जैसे चूहे की सवारी है, मूश की सवारी, तो जितनी भी आपकी वो क्यों है, पेट क्यों है, हाथ खुले हुए क्यों है, या उनका जो भोग है वो क्या है, या सून है, विकृति वो क्यों है, इन सारी चीज़ों की जो व्याख्या है अगर आप उनमें चाहें तो इसमें बहुत बड़ा दार्शनिक एक रवैया इस साल जो मैंने मांगा है वो एक्चुअली मैंने अब तक मांगा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं सुबह सोच रहा हूँ मैं क्या मांगू, मुझे समझ नहीं आ रहा है, सो आई एम स्टिल ट्राइंग टू काइंड ऑफ यू नो जीरो डाउन एक चीज पर, बहुत सारी चीजें, बट आई थिंक कल तक शायद उन्हें कुछ समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या चाहिए। खीर का दम में बताओ, खीर का दम हर साल, वो हर साल उनके बिना उनका भोग अधूरा रहता है, सो खीर का दम इज अ मस्ट एंड आपको जरूर टेस्ट करके जाना। लेकिन क्या ना, कलकत्ता की स्वीट्स जो है बहुत विख्यात है, बहुत फेमस है, और कलकत्ते का खास करके मीठा जो है, चाहे वो रसगुल्ला हो गया या कलकत्ता लास्टिंग है या खीर का दम, भाषा हो गई, भाषा हो गई, जो हो गया मैं हो गया।
लास्ट में करने वाला था बट मिस्टी बट हाँ आई थिंक ओवरऑल आई थिंक बस और कितना मंगेगी भाई बस कर बट आई थिंक खीर का दम इज माय फेवरेट जो हर साल आई थिंक मॉम लाती है पापा को भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा एक्चुअली पापा का फेवरेट है